आई नो ये वीडियो डालने में थोड़ा सा लेट हो गया, बट गाइज कैन यू इमेजिन, मैं आज बिंदास काव्या से मिलके आई हूँ एंड इट वॉज सुपर फन, एंड वापस आने के बाद अब मैं इसको एडिट कर रही हूँ फटाफट से. ओके सो बॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म्स जिगरा इज हियर, और मैं ये फिल्म देख के आई हूँ अपनी फैमिली के साथ. एंड वैसे जब मैंने इस मूवी का ट्रेलर देखा था और मुझे पता चला था कि ये एक ब्रदर सिस्टर के रिलेशनशिप पर बेस्ड है, तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि भाई के साथ तो 100% देखनी है. अब हमने ये मूवी देख ली है एंड इफ वी लाइक्ड इट और नॉट, लेट्स टॉक अबाउट दैट इन डिटेल्स. सो स्टोरी के लीड्स है सत्या यानी कि आलिया भट्ट एंड अंकुर जो है वेदांग रैना. ये दोनों भाई बहन है और बचपन से ही सत्या अंकुर को प्रोटेक्ट करती हुई आई है सिंस दे लॉस्ट देयर पेरेंट्स. अंकुर अपनी लाइफ के पहले बिजनेस ट्रिप पर जाता है टू अ कंट्री कॉल्ड हांची दाओ. ये एक पूरी फिक्शनल कंट्री बनाई है इन लोगों ने जो कि वापस आके गूगल करने पर मुझे पता चला. सो हांची दाओ में अंकुर इज ब्लैकमेल्ड एंड मैनिपुलेटेड इनटू अग्रीइंग टू ड्रग ट्रैफिकिंग और उसको वहां जेल हो जाती है. बाद में पता लगता है कि इस कंट्री में ड्रग ऑफेंडर्स को सीधा डेथ सेंटेंस दिया जाता है और वो भी डेथ बाय इलेक्ट्रोक्यूशन बिकॉज़ दे से इट्स द इजीएस्ट एंड इट गिव्स द लीस्ट अमाउंट ऑफ पेन. देख के लगा नहीं वैसे, बट व्हेन सत्या कम्स टू नो अबाउट इट उसका साइको मोड ऑन हो जाता है एंड नाउ शी विल डू एनीथिंग टू सेव अंकुर. मनोज पावर ने प्ले किया है भाटिया साहब का कैरेक्टर जो कि एक रिटायर्ड गैंगस्टर है एंड काफी फन और काफी बैडएस दिखाया है इनका कैरेक्टर. इनका बेटा भी उसी जेल में बंद है और ये भी डेस्परेटली चाहते हैं कि वो बाहर आ जाए. सो जब सत्या कहती है दैट शी हैज अ प्लान, ही इमीडिएटली गेट्स ऑन बोर्ड विद इट एंड वो उसको काफी हेल्प भी करते हैं. सो ज्यादा ऑप्शन सत्या के पास है नहीं अंकुर को बचाने के लिए. फर्स्ट प्लान उनका वैसे ही फेल हो जाता है तो इवेंचुअली सत्या एंड हर टीम प्लान्स एंड एग्जीक्यूट अ जेल ब्रेक. दो ये जेल ब्रेक का कॉन्सेप्ट हमने हॉलीवुड की काफी सारी मूवीज में देखा है बट यहाँ बॉलीवुड मूवीज में काफी कम देखने को मिलता है. जेल के अंदर के भी काफी सारे सीन्स हैं कि कैसे क्या होता है, कैसा ट्रीटमेंट मिलता है सारे प्रिजनर्स को, वो सब इन्होंने काफी अच्छे से दिखाया है. अब सत्या क्या करती है, कैसे करती है, वो अपने भाई को बचा पाती है या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी. इस मूवी की अच्छी बात यह है कि इसकी स्टोरी लाइन सिंपल है बट काफी अच्छी है. क्लाइमैक्स भी अ लिटिल प्रेडिक्टेबल है लेकिन विजुअली काफी प्लीजिंग है एंड थिएटर में देखने में काफी इंपैक्टफुल लगा. और कुछ इमोशनल सीन्स भी है मूवी में जो देख के थोड़ा बहुत मैं रोई भी हूं. अब वो मूवी की वजह से था या टॉपिक इतना सेंसिटिव था भाई बहन वाला, वो मैं कह नहीं सकती. आई डोंट नो अबाउट एवरीबॉडी एल्स बट आई कुड डेफिनेटली रिलेट टू देयर बॉन्ड बिकॉज आई हैव द सेम बॉन्ड विद माय ब्रदर. एल्डर सिस्टर्स के लिए ना उनके छोटे भाई एकदम बच्चे की तरह होते हैं एंड बाय चांस कोई कुछ कह दे आपके भाई को आपके सामने, फिर आप नहीं देखते वो कौन है, बड़ा हो छोटा हो बाहर वाला हो रिश्तेदार हो कोई भी हो. एंड हुआ है लिटरली हमारे साथ ऐसा जैसे मूवी में दिखाया है कि बचपन में कह दे बस शिवम को कोई कुछ गलती से मैं लड़ने पहुंच जाती थी एंड अब वो बात अलग है कि बड़े हो के वो मुझे प्रोटेक्ट करने लग गए फालतू की नेगेटिविटी से. एनीवेज विदाउट गेटिंग कैरिड अवे, यहां इस मूवी में आलिया ने भी वही बैडएस कम व्हाट मे वाला पूरा एटीट्यूड रखा है कि भाई जब तक मैं जिंदा हूं मेरे भाई को कोई कुछ नहीं कर सकता. अब तो बच्चा नहीं बनना है, मतलब भाई दिस गर्ल रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट दैट थिंग्स कैन इवन गो साउथ. एक दो डायलॉग्स तो मुझे काफी ज्यादा अच्छे लगे. फॉर एग्जांपल जब वो जेल में अपने भाई से मिलने जाती है तो वहां उसको कहती है तू मेरी राखी पहनता है ना कुछ नहीं होगा तेरे को, फिर बाद में एक जगह शी सेज मैंने कभी नहीं कहा कि मैं सही इंसान हूँ, मैं सिर्फ अंकुर की बहन हूँ. पर मैंने कभी नहीं कहा मैं सही इंसान हूँ, मैं सिर्फ अंकुर की बहन हूँ. दूसरी जो बात मुझे इस मूवी की अच्छी लगी वो थी कि फालतू का प्यार मोहब्बत रोमांस लैविश सेट्स ग्लैमर ये सब नहीं है. इट्स प्लेन एंड सिंपल एंड इट वर्क्स द बेस्ट फॉर दिस मूवी. पूरा फोकस स्टोरी और एक्टिंग पर. तीसरी बात जो मुझे अच्छी लगी वो ये थी कि पूरी फीमेल सेंट्रिक और फीमेल लेड फिल्म है. नॉर्मली हमेशा यही देखने को मिलता है कि हीरो आता है अपनी हीरोइन को बचा के ले जाता है एंड ऑल ऑफ दैट, बट इस मूवी में अगेंस्ट ऑल ऑड्स हीरोइन आई है सबको बचाने के लिए एंड शी नेल्स इट. साथ ही में वीएफएक्स अमेजिंग है और कैमरा वर्क काफी ज्यादा अच्छा है, मतलब इन टोटैलिटी विजुअल्स आपको काफी इंप्रेस करेंगे. नेगेटिव्स इस मूवी के ये है कि सेकंड हाफ काफी ज्यादा स्लो है, स्ट्रेच्ड है एंड एक्शन सीक्वेंसेस में काफी ज्यादा रेपिटेशन है. मतलब आप इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड ट्विस्ट एंड टर्न्स में से एक दो हटा देते तो कोई फर्क पड़ता नहीं वैसे. और एक बात जो मुझे एक्चुअली काफी सरप्राइजिंग लगी वो थी कि इस मूवी का ट्रेलर अच्छा था, प्रमोशंस भी इतने टाइम से चल रहे थे. ये लोग लिटरली कपिल शर्मा के फर्स्ट एपिसोड में आ गए यार मूवी को प्रमोट करने के लिए, बट उसके बाद भी थिएटर्स वर एम्प्टी, लाइक हार्डली 20-25 लोग थे यार पूरे हॉल में. सो लुकिंग एट दैट कितना बिजनेस करने वाली है ये मूवी उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते. एंड एक्टिंग की बात करें तो आलिया जस्ट कीप्स गेटिंग बेटर विद ईच मूवी ऑफ हर्स. यहाँ भी मेजोरिटी ऑफ द मूवी में काफी अच्छा एक्ट किया है आलिया ने, बट कई बार शी इज जस्ट केप्ट दिस स्ट्रेट फेस. लाइक वी ऑल नो शी इज अ ग्रेट एक्टर, और अगर आपको अच्छी एक्टिंग करनी आती है तो फिर क्यों आपको शारमिन की तरह एक्ट करना है यार. एक बार देख लीजिए दीवाना बना दीजिए. मतलब काफी जगह शी वाज एकदम इनएक्सप्रेशनेट. जब मैंने आ चीज देखी थी ना तो ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस वेदांग वाज द ओनली डीसेंट एक्टर. इस मूवी में वेदांग जब तक जेल नहीं गया तब तक उसकी एक्टिंग बहुत प्लेन एंड बोरिंग थी, बट व्हेन ही वाज इन द जेल उसके कैरेक्टर में एक डेप्थ आती है एंड समहाउ हिज एक्टिंग आल्सो गेट्स अ लिटिल इंटेंस एंड सेंसिबल. मनोज पावा इज एन आइकॉन, बट जितने वो हमेशा से फन एंड कॉमिक रोल्स करते हुए आए हैं ना उस हिसाब से मैंने बहुत कम एक्सपेक्टेशंस रखी थी उनसे, बट उन्होंने एक ऐसे इंटेंस कैरेक्टर को भी काफी अच्छे से पुल ऑफ किया है.
It was actually pretty good. Can you imagine? इस मूवी में आलिया भट्ट की बेस्ट फ्रेंड आकांक्षा रंजन कपूर का भी एक कैमियो है, वो भी लाइक 30 seconds का. मतलब आलिया, अगर आप अपने बेस्ट फ्रेंड को रोल दे रहे हो तो थोड़ा सा लंबा दे देते यार. बाकी सपोर्टिंग कास्ट में विवेक गुम्बर, हु इज द अल्टीमेट विलन ऑफ दिस मूवी, एंड यू विल हेट हिम फॉर दैट, बट उन्होंने अपना पार्ट काफी अच्छे से किया है. सॉन्ग्स की बात करें तो इस मूवी का म्यूजिक इज बाय द ग्रेट ए आर रहमान सर, तो म्यूजिक तो ऑब्वियसली काफी अच्छा होना ही था. एंड जैसे इन्होंने हांशीदाव एकदम एशियन कंट्री दिखाई है, तो बीजीएम भी काफी एशियन टाइप ही रखा है इन्होंने. गाने काफी अच्छे और काफी अप्रोप्रिएट है. एक वो चल कुड़िए वाला गाना है जो दिलजीत और आलिया ने साथ में गाया है, एंड आई जस्ट रियलाइज्ड पहले इन दोनों ने साथ में एक कुड़ी गाया था. मतलब व्हाट इज योर ऑब्सेशन विद कुड़ी. एनीवेज, वी ऑल्सो नो करण जौहर्स ऑब्सेशन विद रिप्राइजेस एंड रीयूजिंग ओल्ड बॉलीवुड क्लासिक्स, तो वो भी काफी सारे मिलेंगे आपको इस मूवी में. एंड टू टॉप इट ऑल, अगर भाई बहन सेंट्रिक फिल्म हो और उसमें फूलों का तारों का सबका कहना है वाला गाना ना हो तो डज दैट इवन कट इट. फूलों का तारों का सबका कहना है, ऐसा तो फिर इनकम्प्लीट फील होगा ना. वसंत बाला ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और डायरेक्शन काफी अच्छा है, बट ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये आलिया का प्रोडक्शन डेब्यू है. आलिया भट्ट ने और उनकी सिस्टर शाहीन भट्ट ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है अलॉन्ग विद करण जौहर. सो जिगरा पूरी 2.5 घंटे की मूवी है, एक नो नॉनसेंस मूवी है और डेफिनेटली एक फैमिली मूवी है जो आपको जरूर देखनी चाहिए. मेरी तरफ से इस मूवी को मिलती है 3.5 stars. अगर आपने देख ली है तो मुझे कमेंट्स में बताना आपकी रेटिंग्स क्या है, और अगर नहीं देखी है तो जाके देखो और फिर मुझे बताओ कि आपके क्या व्यूज है इसके बारे में. एंड दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो. अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, एंड आई विल सी यू रियली सून इन द नेक्स्ट वन. बाय.